स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान, आप सबके सामने हाजिर हूं। और जब हम एक जानकारी या एक देना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं कि किसी भी जिले के तबादले अगर पुलिस विभाग द्वारा होते हैं तो सुर्खियों में रहते हैं, और अगर खासकर पुलिस अधीक्षक का तबादला हो तो ज्यादा ही लोग जानने इच्छुक रहते हैं कि आखिर कौन है नए शख्स, नए SP कौन है, और वो भी जानकारी देना चाहते हैं कि किस तरह का वो कार्य करेंगे और जिले के लिए किस तरह की पहल करते हुए अपराधों पर नियंत्रण करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं नौपदस्थ SP शलभ कुमार सिन्हा सर। तो हम सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, आप दुर्ग जिले में अभी प्रभार संभाले, हाल ही में 3-4 दिन हुए हैं। इसके पहले आप कांकेर में पदस्थ थे। तो कांकेर से एक नक्सलाइड एरिया माना जाता है और वहाँ पर इसके नियंत्रण के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, और अगर देखा जाए दुर्ग भी इसे अछूता नहीं है क्योंकि कितने अभियान चलाकर यहाँ पर नक्सलाइडों को पकड़ा भी गया है। तो इस क्षेत्र के लिए आप कैसी पहल करेंगे? देखिए, जो नक्सलियों का मोडस ऑपरेंडी होता है, जंगल में वो रहते ज़रूर हैं, वहाँ पे लोगों को अपने अपने मतलब दबाव में रखते हैं और विकास के कार्य रोकते हैं, लेकिन उनके लिए जो सप्लाई चेन होता है, जो सामानों की सप्लाई होती है, फंडिंग वगैरह, वो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों से होती है। तो अगर दुर्ग में इस तरीके का कोई नेटवर्क हमको समझ में आता है या कोई ऐसा लिंक मिलता है तो उस पर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और समय समय पर पहले भी हमने देखा है कि कई बार जो नक्सली कैडर होते हैं, अगर वो बीमार पड़ते हैं या घायल होते हैं तो चोरी छुपे उनको कहीं ना कहीं किसी शहर के हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया जाता है। अगर ऐसी भी कोई सूचना मिलती है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। बस्तर में जितने भी पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधिकारी हैं उनसे हम लगातार संपर्क में हैं, और अगर कोई भी सूचना उनकी तरफ से आती है, हमको लोकल स्तर पर मिलती है, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, दुर्ग शहर में इन्हें आपका पहले यहाँ कब आना हुआ था? इसके पहले भी आप दुर्ग में रह चुके हैं? जी, मैं 2016 में जब मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी फील्ड की, तो पहली पोस्टिंग मेरी जो प्रोबेशन के दौरान थी वो दुर्ग में ही थी। 6 महीने का ट्रेनिंग था मेरा फील्ड का, तब मैं यहाँ पे पदस्थ था। सर, छोटा सा एक परिचय आपका। मैं 2014 बैच का IPS ऑफिसर हूँ। मूलतः मैं छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ, और उसके बाद पहले कोरबा में स्कूलिंग हुई है मेरी, और फिर RIT रायपुर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। फिर बालको में मैं लगभग 4 साल मैंने जॉब किया, और फिर जॉब से रिज़ाइन दे करके फिर मैंने UPSC की तैयारी चालू की, और 2014 में मैं सेलेक्ट हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान जब प्रेस वाले आपसे मिलने, आपने अपना ननिहाल नंदिनी को बताया था, तो कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव दुर्ग भिलाई से है? हाँ जी, मेरे नाना जी जो थे वो काफ़ी पहले नंदिनी माइंस में आए थे, उनकी जॉब यहाँ लगी थी, तो यहीं पर रह करके वो उन्होंने जॉब किया। मेरी मदर की पढ़ाई भी नंदिनी में हुई, और फिर वो रिटायर होकर के यहाँ से चले गए, फिर कोरबा में ही सेटल हुए थे, और इस वजह से ये ननिहाल ही है मेरा। अपने ननिहाल पहुँचे हैं, अपनी कार्य प्रणाली आप तो साबित भी करेंगे। पूर्व SP अभिषेक पल्लव सर ने यहाँ पर काफ़ी कार्य किए हैं, मीडिया का हो या काफ़ी उन्होंने सुर्खियाँ बटोरी है और काफ़ी आगे तक कार्य किया है, आप उसको कैसे निरंतर जारी रखेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी कार्य किए जो कि मीडिया में सुर्खियाँ भी बने, लोगों के बीच भी वो बड़े सहजता से पहुँचे हैं। अभी भी मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे कई लोगों के बाहर के राज्यों से फ़ोन आते हैं जो कि मतलब मदद मांगते हैं, उनको लगता है कि अभिषेक सर ही दूसरी तरफ बैठे हैं करके। तो इस तरीके से समझ में आता है कि काफ़ी लोगों के बीच में उन्होंने अपनी पहचान बना करके बहुत ही अच्छा एक इमेज बनाया था पुलिस का। मैं भी यही चाहूँगा कि लोग सहजता से, सरलता से, आराम से, बेझिझक होकर के हमसे आकर के मिल सकें, अपनी समस्याएँ रख सकें, और उन समस्याओं के त्वरित निराकरण का जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। दुर्ग जिला 4 कैबिनेट मंत्रियों का गढ़, मुख्यमंत्री का भी गृहग्राम कहलाता है, तो इस क्षेत्र में क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव भी है और जानते हैं आप चुनावी परिप्रेक्ष्य में किस तरह की वो होती घटनाएं, दुर्घटनाएं, इंसिडेंट जो भी, कैसे नियंत्रण करेंगे और उस पर परखेंगे कैसे सर लोगों को? चुनाव डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है। लोकतंत्र की यही खासियत है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं जिसमें लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है, तो चुनाव बड़ा एक्सरसाइज है। हमारे यहाँ क्योंकि 6 विधानसभा, बल्कि 6 से 7वें विधानसभा का भी कुछ क्षेत्र हमारे यहाँ आता है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मोबिलाइजेशन होगा, VIP मूवमेंट होगा, फोर्स का भी मोबिलाइजेशन होगा, तो उसके लिए तैयारी हम लोगों ने ऑलरेडी चालू कर दी है। पहले के जो इलेक्शंस हुए हैं उनसे, उनके ब्लूप्रिंट्स देख करके अपना खुद का एक प्लानिंग बनाएंगे,
और सूचना तंत्र को मजबूत रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सूचना तंत्र को मजबूत रखेंगे ताकि आगे चल के कोई इशू ना हो, और जो भी अराजक तत्व हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी अभी से नियंत्रण लगा करके कोशिश करेंगे कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए जाएँ। सर, पूर्व SP प्रशांत ठाकुर सर थे यहाँ, उन्होंने एक पिंक गश्त की शुरुआत की थी और मीडिया कर्मियों और अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ पिंक गश्त करके अपराधों पर नियंत्रण की तरह करना है और चाक चौबंद व्यवस्था के लिए शुरू की थी उन्होंने। फिर बाद में वो देखा गया कि बंद भी रहा, फिर अभी इसको किस तरह शुरू करने का प्रयास करेंगे? अभी जो हमारे पास जब भी जो पेट्रोलिंग की का जो सिस्टम मैंने समझाया पिछले 3-4 दिनों में, रात्रि में भी गश्त होती है और अर्ली मॉर्निंग भी गश्त होती है, तो वो हो जाए। उसके अलावा महिला थाना है यहाँ पे, महिला स्टाफ भी काफ़ी सारी हैं। अभी वो पिंक गश्त अगर आप कह रहे हैं कि बंद हो गया, तो उसको मैं देखूंगा कि किस तरीके से रिवाइव किया जा सकता है, क्योंकि एक अच्छा कंसेप्ट होता है जिसमें महिलाएं ही पेट्रोलिंग करती हैं और महिलाओं को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है और साथ साथ इंस्पिरेशन भी मिलता है उनको देख करके। तो डेफिनेटली अगर अभी वो नहीं चल रहा है तो उसको दोबारा से फिर चालू करने का प्रयास किया जाएगा। सर, अक्सर देखा जाता है जुआ सट्टा कबाड़ियों का अवैध कारोबार का भी फलता फूलता है और कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत भी रहती है, तो इसमें क्या नियंत्रण किस तरह करेंगे सर? ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवैध कारोबार की कैटेगरी में आती है, तो इसमें किसी भी प्रकार के मिली भगत तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर पुलिस के अधिकारी ही इसमें जुड़े हुए हैं और इस वजह से क्राइम्स भी हो रहे हैं, तो उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ जितने भी जुए सट्टे और अवैध कबाड़ के कार्य कर रहे हैं जो लोग, उनकी सूची बना करके समय समय पर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बेहतर पुलिसिंग के लिए किस तरह का सैद्धांतिक वर्क किया जाएगा सर? बेसिक पुलिसिंग का सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि पुलिस जो है वो विजिबल रहे, लोगों के बीच दिखती रहे, और चाहे वो बीट प्रणाली के थ्रू हो, चाहे वो पेट्रोलिंग के थ्रू हो, फुट पेट्रोलिंग के थ्रू हो, इस तरीके से प्रयास किया जाएगा कि लोगों के बीच हम पहुँचे। कुछ कुछ मैंने जागरूकता शिविर के लिए भी प्लान किया हुआ है ताकि हम जागरूकता शिविर जगह जगह पर चलाएं, तो लोग वहां पर आएंगे, अपने कुछ चीज़ों मतलब साइबर फ्रॉड्स और अन्य इशूज़ को लेकर के जागरूक भी होंगे और साथ साथ अपनी समस्याओं को भी हमको बताएंगे। तो ये एक मतलब दोनों तरफ से डायलॉग होगा तो ज़्यादा बेहतर हमको फीडबैक मिलेगा। तो कोशिश यही रहेगी कि जैसा पहले भी मैंने कहा, अवैध कारोबारियों की सूची बनाकर उन पर प्रभावी कार्रवाई, साथ साथ जो गुंडे बदमाश एलिमेंट है उनकी लगातार चेकिंग और उनके ऊपर कार्रवाई, इस तरीके से कोशिश करेंगे बेसिक पुलिसिंग के थ्रू एक अच्छी पुलिसिंग कर सकें। साइबर क्राइम का भी आपने जिक्र किया था, अक्सर बहुत इसके ठगी के शिकार हो रहे हैं लोग, इस पर नियंत्रण कैसा किया जाएगा, क्योंकि लाख समझाइश के बावजूद भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं? हाँ, एक ये समस्या है कि जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं आजकल, काफ़ी सारे चैनल टीवी चैनल्स में भी कार्यक्रमों के माध्यम से भी सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, लेकिन फिर भी कई लोग अनजाने में इस के गिरफ्त में आ जा रहे हैं, इसके शिकार हो जा रहे हैं। तो अगर कोई अभी तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए हैं कि अगर तुरंत आप उस पर रिस्पॉन्ड करें तो आपके पैसे नुकसान होने से बच सकते हैं, तो हम उसी चीज़ का और ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। और अगर किसी का नुकसान हो गया है तो हम प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे पास साइबर से संबंधित टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके किसी तरीके से हम आरोपी तक पहुँचे और पीड़ित को न्याय दिलाएं। सर, अक्सर देखा जा रहा है कि यूथ जो युवा हैं, फैशन हुआ या फिर दिखावे के चक्कर में अपनी बाइक को मॉडिफाई करते हैं, उसमें अलग से एक साउंड लगवाते हैं और स्टंट मार करके भी लोगों को डराते धमकाते हैं। ऐसे में जो वृद्ध वर्ग है काफ़ी उसे विचलित होता है, कई बार ऐसा एक्सीडेंट का भी मौका देखा जाता है, आप क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल, ये तो गलत है। सबसे पहले तो बाइक्स को मॉडिफाई कराना ही गैरकानूनी है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रावधान हैं इससे निपटने के लिए। तो ऐसी कोई भी सूचना मिलने पर ट्रैफिक प्रभारियों को भी हमने निर्देशित किया हुआ है, पहले भी कार्रवाई हुई है, आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। और मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा जो इस तरीके से स्टंट्स करते हैं, कि आपकी एक जो गलती है वो न सिर्फ आपको बल्कि आगे आपके आमने सामने जो लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे स्टंट करने से बचें, इनसे कुछ हासिल नहीं होता। एडवेंचर स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे एवेन्यूज़ हैं, आप बाहर जा कर के एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं थ्रिल के लिए, लेकिन स्पोर्ट्स बाइकिंग से बचें। सर, ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि पुलिस आपकी सेवा के लिए तत्पर है, आपकी सेवा के लिए ही हम यहाँ पर बैठे हैं। हमसे घबराने की, डरने की, झिझकने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी समय बेझिझक होकर हमसे आकर मिल सकते हैं, मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अन्य अधिकारियों से भी मिल सकते हैं। और अगर पुलिस के संबंध में कोई शिकायत है
तो भी आप चाहें तो हमें गोपनीय ढंग से, चाहें तो गोपनीय ढंग से या मिलकर बताना चाहें तो मिलकर आप हमको सूचना दे सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए सदैव उपस्थित रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों ये थे नए पदस्थ SP शलभ कुमार सिन्हा सर। अभी हाल ही में उन्होंने 4 दिन पहले ही पदभार ग्रहण किया है और किस तरह की पुलिसिंग होगी शहर में, किस तरह चाक चौबंद व्यवस्था होगी, इस पर हमसे उन्होंने अपने विचार हुआ या फिर अपनी कार्यप्रणाली को साझा किया। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और नए अपडेट के लिए देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। नमस्कार।